अज़ीम बेहक के सैदा बेहक के सैदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सरकारे मासूम या कमरे बने हाशिम या बाबुल हवाइज या हिजाब उमुल मसाइब या अल्लाह हो या मोहम्मद या अली हो या सैयदा या हसन हो या हुसैन मजलूम या मुलैन अल हदीद बिहक दाऊद अलैहिस्सलाम या मसूमा बिन्त अल हुसैन अलैहिस्सलाम या मुसाफिर शाम बीबी अदरकनी फी सबीलिल्लाह या दुखिया बिन्ते अमीरुल मोमिनीन इलाही बानियान मजलिस की सजो मेहनत कबूल बानियान मजलिस के जितने लवाहकीन दारे फानी तो टूट गए मालिक दर्जा बुलंद अज की मजलिस आजाद जितने बानी हैं मालिक सब दे रिस्क माल इज्जत मजीद इजाफे इस जन्नत जैसे बाहर गार दी जितने बुजुर्ग इट रख गए मालिक उन्होंने दर्जात मजीद बुलंद फरमा इस वस्ती को या स्थाने को सादा तो मोमिनीन के घर को मालिक नजर बद तो महफूज रखे सुबह तो लागे ही वेले तक जिस किस्म की भी लंगर पाक चलाया गया दरिया सौंध सभी कर जो जो भी ड्यूटी अदा हुई है सखी शबीर अपनी इबादत कबूल फरमा कुछ मेरे मेहरबान आमीन शामिल नहीं थे बतींदे मैं हर मेंबर ते अर्ज करेंदा रहना जड़ा ही दर ते मंगदे वतु को जमाने को मंगड़ा नहीं पौंदे जड़ा ही दर तो नहीं मंगदा वतु दर दर तो मंगदे अरशाद और छेवीं सरकार है जड़ी दुआ हज ते कबूल न थी वे और मजले से हुसैन च मंगी करो सरकार फरमाए जड़ी दुआ हज ते रद्द हो सकती है वो दुआ जिक्र हुसैन च रद्द नहीं होती सैल सवाल किया मालिक जमाना इतराज कर सकता है दुआ हज ते कबूल नहीं ते मजले से हुसैन च किवें थी वेंदी है तो मोलो फरमाए पुछण वाले दा मौंडा हला के दसा छोड़े हज बचान वाले दा नाम हुसैन जै जमाने को तहजीब दसई है वह हस्ती दा नाम हुसैन जै धी ते भेण दी सुनाण दी वही है वह हस्ती दा नाम हुसैन मुल्क दे हर मेंबर ते मैं अर्ज करेंदा रहना अगर तुसा सा पैरां दे नाखून तो लाग के सर दे वालन तक बेऐब हैं तो सदका हुसैन दे अगर तुहाडे सारे घर वसदे पैन तो सदका शबीर दी न लैन दे अगर तुहाडी सारी औलाद जवानियां मनेंदे पईए तो सदका अली अकबर दी न लैन दे अगर कहें दे घर दे इज्जत परदे महफूज हैं तो सदका आलिया हुसैन दी चादर दे तो मैं दुआ कर रहा जड़ा मोमिन अज दे मसरूफ तरीन दौर च दोखे फसाद अली दुनिया छोड़ के उन्दे जिक्र दी जीनत बने जिंदा जिक्र बका है अल्लाह इसे साल भेण भिरा दी जवारी नसीब फरमा खुदा दे घर दा दीदार नसीब होवे और अखी अपने लुखां च कदा न रोवे जड़िया भेण ते भिरा दे दोखे च रोवे मावां दे पुत्र जीवन भेणी दे भिरा जीवन जितने मातमी परदेस च मालिक उन्हां दी मुहाफ़ज़त फरमावे अपने अपने ज़ियारत पाक दी मुहर दी कबूलियत वास्ते एक सलवात तिलावत फरमाओ आबाद रहो जी मेरा यकीन है कामिल है ई तो सोनी सलवात जनाब होना पढ़ सकते हैं जे सारे रूह नाल तिलावत फरमाओ तो मैं जिस घराने वास्ते सलवात दा अर्ज कर रहा है घराना मोहताज सलवात नहीं लेके सलवात मेरे इंतहाई वाजिब उल एहतराम मेरे वतन दे सरदारो इजाजत है मैं जिक्र पाक शुरू कर रहा हूँ
अल्लाह तुआ को हमेशा सलामत रखे। सैयदा बीबी का जिक्र लम्हा लम्हा तुआ को नसीब होवे। जड़े माँ की झोली तू जिक्र सुन लगे हो, आले नबी की गुरबत ते रोवन लगे हो, ते जाड़ियाँ चिटियाँ थी गई, ते वल्ली नेक्स्ट टाइम साड़ी यह दुआ है जो अल्लाह ए जिक्र हुसैन साड़िया नस्लें ची कायम रहा। अब मैं ठीक अर्ज कर खड़ साड़ी दुआ होंगी है बाबा जी दुआ फरमैसो से तुहाड़े सिरां ते ईमान करेने हैं सन और तुहाड़े कोल ही दुआ खेलनी जी तो तुहाड़ी कमाल है बिस्मिल्लाह जी। अल्लाह तुहाड़ी इबादत कबूल फरमावे। शब्बीर दे हर मदाह नाल निभेंदे हो, सारा दिन ड्यूटी करेंदे हो, इंदा अजर लुटी सहन दे। कदा मेरे वतन दे सरदार इस गुमान च न रवे जो असा हैं तो मजलसा हैं, असा ना हासे तो यह जिक्र थींदा हा, असा ना होसूं तो यह जिक्र होसी। तुसा असा बड़े नसीबा वाले हैं जो अल्लाह तो उनका जिक्र नसीब कीते जिंदे जिक्र वास्ते मलाइक सिकदे। सरकार का मैं फरमान सुना रहा, छेवें इमाम का फरमान है, बड़ा नसीबा वाले मोमिन जड़ा मेरे बछड़े हुसैन की महफिल च बंद, बड़ा नसीबा वाले ओ मोमिन जड़ा मेरे पुत्र हुसैन के जिक्र च बंद है। साहिल सवाल च कीता मालिक नसीबा वाला ओ ही है जड़ा हज करन वेंदा है। अबा सैयदादा दुआ करे सो सन, नसीबा वाला ओ ही है जड़ा उमरे ते वेंदा पे, नसीबा वाला ओ ही है जड़ा जवारी है मजलूम ते पिया वेंदा है। तुहाड़ी कदर पिया दसेना जे तुसा आप अपनी कदर संभाल सकदे हेवे तां तुहाड़ा मकाम पिया दसेना जो तुसा केडे मुकद्दर वाले ते नसीबा वाले हो। मौला इंदा मकाम एडा ज्यादा क्यों जड़ा महफिल हुसैन च बहावे, उंदा मकाम ते इज्जत क्यों ज्यादा है? मौला फरमाई तू ज्यादा क्या मुकद्दर होवे बहंदा जमीन।